हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, जिसके अंदर हम स्टोर की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, और स्टोर कीपर है उसकी फंक्शन और ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे स्टोर कीपर के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टोर कीपर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये। स्टोर कीपर पर आपका जो इम्पॉर्टेंट एक कोई 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है इसके फंक्शन एंड ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पढ़ते हैं स्टोर कीपर। देखिए, आफ्टर द मटेरियल आर चेकड बाय द रिसीविंग डिपार्टमेंट, जब रिसीविंग डिपार्टमेंट ने मटेरियल को चेक कर लिया, इंस्पेक्शन हो गई, अप्रूव हो गया इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से, दे आर गिवन टू द स्टोर कीपर। फिर वो जो रॉ मटेरियल आया है उसको स्टोर कीपर को सौंप दिया जाता है फॉर स्टोर कीपिंग के लिए। स्टोर कीपिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टोर कीपर इन्वॉल्विंग प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक। स्टोर कीपिंग क्या है, फंक्शन है स्टोर कीपर का इन्वॉल्विंग प्रॉपर मेंटेनेंस, जिसके अंदर प्रॉपर मेंटेनेंस करता है वो स्टोर की, स्टॉक की, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाइंग दैम, उनको आइडेंटिफाई करता है और फिर उनको क्लासीफाई करता है, और एक टाइप की, एक ग्रुप की और एक टाइप की यूज वाली प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन करता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, टाइप, स्पेसिफिकेशन एट्सेट्रा। ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन करता है किसके बेस पे, नेचर के बेस पे, टाइप के बेस पे, स्पेसिफिकेशन के बेस पे। द स्टोर कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ रिसीट, स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ मटेरियल। देखो, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सेफ रिसीट करे, यानी उन जो भी मटेरियल आया है उसको सावधानी से रिसीव करे, उनको अच्छी तरीके से स्टोर करके रखे, और फिर बाद में जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए होगी वो मटेरियल तो उसकी इशू करें। ठीक है, ये उसका फंक्शन है मेन। ठीक है, तो अब आ जाइए कुछ ड्यूटी और फंक्शन इसके पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से। हाँ जी, देखिए, हिज ड्यूटीज आर एज फॉलो, टू रिसीव गुड्स फॉर रिसीविंग डिपार्टमेंट फ्रॉम रिसीविंग डिपार्टमेंट, यानी रिसीविंग डिपार्टमेंट से रिसीव जो मटेरियल है उनको रिसीव करना और उसको स्टोर करना। ठीक है, अलमीरा में, रैक में, बीन में प्रॉपर तरीके से लगा के रखना फिर उसको, यानी स्टोर करके रखना। दूसरा, टू इशू द मटेरियल टू जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर रिक्वेशन, यानी कि स्टोर रिक्वेशन के अकॉर्डिंग जितना भी मटेरियल इशू, मतलब जॉब को चाहिए उतना इशू को, मटेरियल को इशू करना है, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितना मटेरियल चाहिए उसको वो इशू करना। ठीक है, और उसके लिए क्या आता है, रिक्वेशन नोट आता है, और रिक्वेशन नोट के अकॉर्डिंग जितना मटेरियल चाहिए होता है वो उनको प्रोवाइड करना। टू एंटर ऑल द रिसीट्स एंड इशू टू द बीन कार्ड्स, देखो बीन कार्ड क्या होते हैं, जो उस पर लगे होते हैं हर एक रैक पर, जो पर्टिकुलर रैक बने होते हैं स्टोर में उसके अंदर बीन कार्ड लगे होते हैं। ठीक है, तो बीन कार्ड में प्रॉपर तरीके से जो जो रिसीट हो रही है, जो आप नया सामान लेके आ रहे हो वो लिखना, और जो जो इशू कर रहे हो, मतलब जो सामान भेज रहे हो प्रोडक्शन के लिए वो लिखना, उनकी एंट्री करने का काम कौन करता है, स्टोर कीपर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। फोर, टू चेक द ऑर्डरिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल अंडर हिज चार्ज, मतलब ऑर्डरिंग पॉइंट्स, कितना ऑर्डर करना है उस मटेरियल को जो उसके चार्ज में है, एंड प्रेफर द परचेज रिक्वेशन फॉर सबमिशन टू परचेज डिपार्टमेंट, और क्या प्रेफर करना, परचेज रिक्वेशन की, इतना रिक्वायर्ड है, मतलब इतना रिक्वायरमेंट है इतनी इस मटेरियल की। ठीक है, फिफ्थ, टू टेक प्रिवेंटिव एक्शंस अगेंस्ट डेट्रियोरेशन, इवेपोरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, फायर एंड थेफ्ट, एंड दस मेंटेन एंड प्रिजर्व द मटेरियल ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी कि जब आपने कोई मटेरियल स्टोरेज के लिए रख रखा है उस टाइम उसके रख रखाव बचाव के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो जाए इवेपोरेशन से, मॉइस्चर से, उसकी चोरी ना हो जाए, थेफ्ट ना हो जाए, या उसमें आग ना लग जाए, फायर ना हो जाए, तो उस चीज़ के लिए प्रिवेंटिव एक्शन रखना। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर रखना। सिक्स,
to assist and fully cooperate in physical stock checking of inventories and to point out to management the slow moving and non-moving material. क्या करना? Fully cooperate in physical stock checking. फुल्ली प्रॉपर तरीके से कॉपरेट करना है जब फिजिकल स्टॉक चेकिंग होती है इन्वेंट्री की एंड टू पॉइंट आउट द मैनेजमेंट द स्लो मूविंग एंड द नॉन मूविंग मटेरियल. और जो भी चेक करने आया है उसको ये प्रॉपर तरीके से बताना मैनेजमेंट को कि स्लो मूविंग किसकी है, मतलब कौन सा मटेरियल बहुत कम जल्दी निकलता है मतलब कि स्टोर में से, और कौन सा है जो बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है मतलब कि उसका यूज़ ही नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको यूज़ ही नहीं कर रहा है, या फिर ये दिखाएंगे कि बहुत स्लो मूविंग हो रहा है, ठीक है, कि कम यूज़ हो रहा है. 7 टू रिसीव बैक द रिटर्न मटेरियल फ्रॉम द वर्क्स. रिटर्न मतलब कि जैसे मान लो हमने सामान भेजा है किसी एक डिपार्टमेंट को और आधा सामान आधा मटेरियल लग गया है आधा बच गया है, तो उनसे रिटर्न वापस लेना है, ठीक है, तो वो भी ये रिसीव बैक करता है रिटर्न को भी. और 8 टू रिपोर्ट ऑन ऑब्सोलेट स्टॉक वेस्ट एंड स्क्रैप मटेरियल. रिपोर्ट करना किस चीज़ पे? ऑब्सोलेट स्टॉक, जो स्टॉक ख़राब हो गया है वेस्ट हो गया है और स्क्रैप बच गया है जो, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करना कि इतना जो मटेरियल है वो स्क्रैप वैल्यू में वेस्ट हो चुका है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया आपको क्या है ये स्टोर कीपर के बारे में कि स्टोर कीपर क्या काम करता है, और फिर उसके बाद में फंक्शन और उसकी ड्यूटीज़ के बारे में हमने इसमें पढ़ा. आगे देखिए स्टूडेंट्स, लोकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट. देखिए लोकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकेशन पढ़ते हैं. ये देखिए लोकेशन क्या बोलता है, नॉर्मल सी बात है, जो भी कोई स्टोर होगा ना वो ना इस जगह ऐसी जगह पे लोकेट होना चाहिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बिल्कुल पास हो, मतलब ज़्यादा दूरी ना हो ताकि टाइम कंज्यूम कम हो. ठीक है, लोकेशन देखिए, द स्टोर डिपार्टमेंट शुड बी लोकेटेड एट द सेंटर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन सेंटर सो दैट द सप्लाईज फ्रॉम द स्टोर मे रीच द सेंटर ऑफ कंजप्शन विदाउट मच लॉस ऑफ टाइम. वही है ना कि इतनी इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए स्टोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, कि ताकि जब अगर हमें सामान वहाँ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके जाना हो तो इतना ज़्यादा टाइम का लॉस ना हो. इट शुड बी लोकेटेड ऑन द रोड साइड सो दैट द ट्रक्स कमिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन और फ्रॉम सप्लायर्स प्लेसेस में कन्वीनियंटली अनलोड द गुड्स इन टू द स्टोर डिपार्टमेंट एंड द कैरिज में ट्रांसपोर्ट द इश्यूड मटीरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ईजली. देखो रोड साइड पे होना चाहिए, नहीं अंदर अंदर भीड़ी गलियों में होना चाहिए, ताकि कोई ट्रांसपोर्ट से सामान आ रहा है हमारा तो वो ईजिली हम अनलोड कर सकें. ठीक है, समझ में आ गया. अगे इट इज़ प्रेफरेबल टू हैव सेंट्रल स्टोर रादर दैन टू हैव स्कैटर्ड स्टोर हेयर एंड देयर. कि ये प्रेफर किया जाता है कि एक सेंट्रल स्टोर हो, ये नहीं कि वो बिखरा हुआ इधर भी हो उधर भी हो, ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, ए सेंट्रल स्टोर इज़ मोर इकोनॉमिकल इज इट हैज़ अ बेटर लेआउट एंड इन्जॉय द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ द फिजिकल स्टॉक चेकिंग कैन बी डन मोर कन्वीनियंटली. अगर एक सेंट्रल स्टोर होगा तो उसको कई सारे जो बेनिफिट्स को इन्जॉय करेगा, जैसे एक्सपीरियंस स्टाफ होगा उसके अंदर, फिजिकल स्टॉक चेकिंग हो सकती होगी टाइम टू टाइम. ठीक है, बेटर कंट्रोल और सुपरविजन होगा उसमें. ठीक है, However, if the factory runs night shift, it is better to have a sub-store attached to each production department to meet the demand of night shift. लेकिन इसके अंदर ये बोलता है कि अगर फैक्ट्री आपकी नाइट शिफ्ट में चलती हो तो आपको एक सब स्टोर, मतलब स्टोर तो आपका है ही जो मेन सेंट्रल, उसके अलावा एक सब स्टोर भी होना चाहिए छोटा, जो आपको नाइट शिफ्ट का जो भी मटेरियल चाहिए होगा नाइट शिफ्ट के टाइम वो आपको प्रोवाइड कर सके. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन में देखिए क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टोर डिपार्टमेंट वेस्ट इन स्टोर कीपर हु इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल इन द ऑर्गेनाइजेशन चेन. मतलब जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंदर वेस्ट होती है, स्टोर कीपर में होती है. द आर्टिकल इन द स्टोर शुड बी सो वेल क्या दैट दे मे बी ट्रेस्ड आउट ऑफ द इशू इंस्टेंटली. द आर्टिकल मम्मी कोई भी आर्टिकल जो हमारी स्टोर में रखी हुई है वो इस तरीके से शुड बी
सो वेल कैप्ट, इस तरीके से रखी होनी चाहिए कि वो जल्दी से ट्रेस मिल जाए जब हमें उसको इशू करना है, जल्दी से हम उठा लें उसको, हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। द वैल्यूएबल मटेरियल स्टोर बी कैप्ट अंडर द लॉक एंड द की। देखिए जो भी वैल्यूएबल सामान है, वैल्यूएबल स्टॉक है, उसको अंदर की के अंदर में रखना है, यानी कि मतलब उसको ताला चाबी लगा के रखना है उसको, है। और जो हैवी मटेरियल है वो नियर जो कंजप्शन प्लेस के बिल्कुल पास में आपको अनलोड करवाने हैं। एंड द मटेरियल अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक चेंजेस इन द स्टोर इज रेफ्रिजरेटेड और इन एयर कंडीशन सेल। और कोई ऐसा मटेरियल है जो ख़राब हो जाता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो उनके लिए एसी वगैरह प्रोवाइड करना है ना, एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह ऐसे कुछ के अंदर उसके अंदर रखना है उन सामानों को। हर स्टोर आइटम के लिए कोड नंबर होने चाहिए, बिन लगा होना चाहिए, बिन कार्ड में डिटेल प्रॉपर तरीके से जो है वो लिखी जानी चाहिए कि जो कौन सा माल इशू हो रहा है, कौन सा माल नया रिसीट हुआ है और कौन सा माल कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। द एंट्री इन द स्टोर ऑफ अनऑथराइज्ड स्टाफ एंड द पर्सन शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। देखो स्टोर के अंदर कोई भी अनऑथराइज्ड स्टाफ नहीं आ सकता है, उनकी जो एंट्री है वो प्रोहिबिटेड होने चाहिए, मना होने चाहिए। और कोई भी पर्सन, कोई जो ऐसा पर्सन है जो स्टाफ को नहीं, मतलब कि हमारी कंपनी में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, तो उस पर्सन की वहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड होनी चाहिए एंट्री। द फिजिकल स्टॉक चेकिंग शुड बी डन रेगुलरली विद और विदाउट नोटिस बाय द चेकिंग स्टाफ। और चेकिंग स्टाफ के द्वारा क्या करना चाहिए, फिजिकल चेकिंग करनी चाहिए, फिजिकल स्टॉक चेकिंग करनी चाहिए उनको बिना बताए हुए, स्टोर कीपर को बिना बताए हुए, ठीक है। द वेटिंग मशीन्स और द बैलेंस शुड बी टेस्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स सो दैट द इशू मे बी मेड इन द करेक्ट क्वान्टिटीज एंड दैट द क्लोजिंग बैलेंस द मटीरियल ऑन द बीन कार्ड शुड टैली विद द एक्चुअल बैलेंस। क्या करना चाहिए, जो भी मतलब कि तराजू वगैरह हैं, जो भी हमारी वेटिंग मशीन है, उनको प्रॉपर तरीके से चेक करते रहना चाहिए ताकि जो भी मटेरियल इशू हुआ है वो प्रॉपर क्वान्टिटी में इशू हो। और क्या हो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मटेरियल द बीन कार्ड शुड बी टैली विद द एक्चुअल बैलेंस, ताकि जो आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है बीन कार्ड पे हुए वो एक्चुअल बैलेंस रियल में है, उससे मैच करे, ठीक है। ये नहीं कि आपने कुछ हेरा फेरी कर दी है वेटिंग मशीन में और जो प्रॉब्लम आ रही हो, हमने इशू किया है माल वो और जो हम बैलेंस बचा है उसके अंदर वो। द ऑब्सोलेट वेस्टेड मटेरियल शुड बी डिस्पोज ऑफ आफ्टर नेसेसरी सेंक्शन। जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा आफ्टर सेंक्शन के बाद, जब इशू कर देंगे मटेरियल को उसके बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इस वीडियो में हमने पढ़ा कि स्टोर कीपर कौन होता है, उसके फंक्शंस ड्यूटीज क्या होती हैं, और स्टोर की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी और लोकेशन पढ़ी, लोकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, लोकेशन की कहाँ पे होना चाहिए स्टोर, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की इसके अंदर कौन कौन वर्क करते हैं, कैसे रखा जाता है सामान, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का यही टॉपिक था हमारा, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।